राजधानी दिल्ली में विदेशी दूतावासों की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया पुलिस ने। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास अमेरिका और इसराइल की जो दूतावास है वहां पर हमला हो सकता है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से पुख्ता कर दी है। राजधानी दिल्ली में विदेशी दूतावासों की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। पुलिस को जानकारी मिली है सूत्रों से कि क्रिसमस के आसपास ये लोग कुछ हमला कर सकते हैं, इन पर हमला हो सकता है। साथ ही साथ जो तमाम विदेशी नागरिक हैं इसराइल के और या यूं कहें कि अमेरिका के, उनके ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम को राजधानी बनाने की बात कही है, उसके बाद से ही तमाम विरोध उनका हो रहा है। और दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली है कि ईसाई क्रिसमस के मौके पर तमाम जो ईसाई लोग हैं या जो ईसाई ऐसी क्रिसमस हैं या त्यौहार होते हैं उन पर कुछ हमला हो सकता है। इसी के मद्देनजर जो दूतावास है अमेरिका के और खासतौर से इसराइल के, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। शांति पथ पर सख्त मौजूद हैं तमाम जो दूतावास हैं विदेशी, वो इस रोड पर मौजूद हैं। बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर गए हैं। हालांकि जो दूतावास के आसपास भी किसी भी कैमरे की स्थिति को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, ऐसे ही हमको मना करा गया है, इसीलिए हम दूसरी जगह से रिकॉर्ड करके आपको बता रहे हैं किस तरीके से तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस ने करे हैं। तमाम जो दूतावास की तरफ जाने वाली सड़कें हैं वहां पर बैरिकेडिंग की हुई है, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको दिखाएंगे। शांति पथ पे एक हिस्से में जगह जगह बैरिकेडिंग यहाँ पर हो रखी है और किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तमाम चारों तरफ जो सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात हैं। हालांकि उनको खुफिया तौर पर इस्तेमाल करने की बात की जा रही है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती भी है, कोई हमला होता है या कोई ऐसे इंसिडेंट होता है जिसमें सुरक्षा का खतरा हो सकता है, उसको लेकर तमाम ऐसी जो रिपोर्ट उनके पास आई हैं पुख्ता की गई है, उसके बाद से ही तमाम सुरक्षा यहाँ पर। और क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने यरूशलम को राजधानी बनाने की बात कही है, तभी से इस बात का विरोध हो रहा है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। खुद जो तमाम लोग हैं वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि जो राजधानी उसको बनाना चाहिए। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली है कि जिस तरीके से दूसरे देशों में इसका विरोध हो रहा है, इसी तरीके से क्रिसमस पर भारत में भी इसका विरोध कुछ हो सकता है। इसी के मद्देनजर तमाम जो दूतावास हैं उनकी जो सुरक्षा है पुख्ता की गई है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है सुरक्षा को लेते हुए। इसीलिए तमाम जो दूतावास है उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, खासतौर से अमेरिकी नागरिक और जो इजरायली नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस चाहती है कि किस तरह की कोई भी कोताही ना बरती जाए।